पॉइंट जो है ओके। तो अफगानिस्तान को जानने के लिए सबसे पहले आपको उस कंट्री का जो ऑफिशियल नेम होता है वो आपको जानना होगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार पूछ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या होता है। कुछ चीजें पीडीएफ में जो होंगी वो मैं बताऊंगा, कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ जो पीडीएफ में छूट गया है वो आप नोट भी करते जाएंगे क्लास के साथ साथ। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल नेम है अफगानिस्तान का, वो किसी को पता है तो अभी वो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं बताता हूँ। एनीवन? ऑफिशियल नेम ऑफ अफगानिस्तान। ओके, यस, कुछ लोगों का आंसर आया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। जिस तरह से साउथ कोरिया का रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, उसी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसे जो इसको इस कंट्री को जो निकनेम दिया गया है वो हार्ट हार्ट ऑफ द एशिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट वेरी पॉइंट इज इंडिया एंड अफगानिस्तान सेपरेशन लाइन इज ड्यूरेंड लाइन। जो लाइन जो इंडिया और करंटली जो भी पीओके है बेसिकली, तो वो जो अलग करता है, जो लाइन अलग करती है वो लाइन होती है ड्यूरेंड लाइन। ड्यूरेंड लाइन के से ही इंडिया और अफगानिस्तान, अभी जो पाकिस्तान का हिस्सा है पीओके हमारा, वो अलग होता है ड्यूरेंड लाइन से। गौरव भैया नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा। यस थैंक यू। एंड जो मोटो है वो मोटो क्या है, देर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज ए मैसेंजर ऑफ अल्लाह। बेसिकली ये जो मोटो है वो, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है ना, मेजर जो सुन्नी इस्लाम लोग फॉलो करते हैं, और उसके बाद फिर कुछ अदर अदर कम्युनिटीज थोड़ी बहुत है। तो मेजर जो रिलीजन है अफगानिस्तान में वो क्या है, वो इस्लाम है। तो वहाँ का जो मोटो है वो मोटो क्या है, देर इज नो गॉड बट अल्लाह, मीन्स अल्लाह इज द सुप्रीम गॉड। जो वहाँ का नेशनल एंडम है ना, नेशनल एंडम को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली सुरुत। वहाँ का जो नेशनल एंडम है उसका नेम है मिली सुरुत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग वहाँ पे स्टार कर लेंगे। पश्तो और दरी में डिफरेंस ये है कि जो दरी है उसका डायलेक्ट दूसरा है। जो भी पार्ट जो ईरान से शेयर करता है बेसिकली, तो वो क्या होता है, वो वहां पे दरी बोली जाती है। तो इस वजह से ईरान के भी काफी ज्यादा हिस्से में वहां पे क्या है कि वो दरी बोला जाता है। तो बेसिकली इसलिए पश्तो एंड दरी लिखते हैं। जैसे जो हेरात जो प्रोविंस है, जो हेरात प्रोविंस है, तो उसके बॉर्डर के इलाके में जो ईरान से सटा हुआ है वहां पे क्या बोला जाता है, वहां पे दरी बोला जाता है। अदरवाइज जो मेन कैपिटल सिटी है वहां पे
क्या बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, और वहां जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, पश्तून, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, और फिर यहाँ पे पश्तो होगा, PASHTO, ओके, पश्तो। अब बात करेंगे वहां पे एथनिक ग्रुप्स की, तो वहां के एथनिक ग्रुप्स में मेनली जो है पश्तून है, तजिक है, हजारा है, और उज्बेक है। अलग अलग है ना। पश्तून अलग ट्राइब है, अलग एथनिक उनका कल्चर होता है, अलग एथनिक उनका ड्रेस होता है। तजिक अलग है, हजारा अलग है, और उज्बेक अलग है। परसेंटेज वाइज भी जब आप देखोगे तो इनकी परसेंटेज अलग अलग है। अब जैसे लाइकवाइज कि पश्तून को अगर आप ले लो, तो पश्तून लगभग वही 43 या 44% के लगभग में जो पश्तून एथनिक ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में है। और उसके बाद जो सेकेंड डोमिनेंट एथनिक ग्रुप जो है वहां की, वो तजिक है। तजिक वही अराउंड 26-28% के लगभग में वहां पे तजिक्स है। इसके बारे में आगे बताया जाएगा। अभी फिलहाल में ये जान लो कि पहला जो डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है वो पश्तून है, और दूसरा जो एमिनेंट मेजर जो रिलीजन और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी है, प्रेसिडेंशियल और इस्लामिक रिपब्लिक है। और जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो अशरफ गनी है ना, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो करंट जो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनका किसी को नेम पता है तो आप कमेंट में, अभी चैट बॉक्स में आप लिखे। किसी को पता है? ओके, ठीक है। यस, तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिनके हाथ में है अफगानिस्तान के, उनका नाम बिस्मिल्ला खान है, ठीक है। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। अभी जो पार्लियामेंट है जो वहां की नेशनल असेंबली, वो जो उसको जो जैसे वहां पे जिरगा एक टर्म होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मशराना जिरगा, है ना। तो मशर जो होता है वो पश्तो में क्या बोलते हैं, जब बड़े को क्या बोलते हैं, मशर। जैसे बड़ा भाई होता है तो मशर उरोर, बड़ा भाई, है ना। अगर वो छोटा होता है तो वो क्या होता है, जैसे हाउस ऑफ पीपल, जैसे हमारे यहाँ कैसे जो पार्लियामेंट है, वो कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में बटा हुआ है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। तो उसी तरह से वहां पे क्या है, एक मशराना जिरगा है जो हाउस ऑफ एल्डर्स है ना, और वलसी जिरगा है ना, वलसी जिरगा हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। और उसके आगे अगर देखते हैं तो वहां का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 169th रैंक है उसमें अफगानिस्तान का, है ना। काफी ज्यादा लो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस कंट्री का, क्योंकि काफी समय से वहां पे वॉर वगैरह होते रहे और लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट द प्रीवियस 20 ईयर्स लगातार चले आ रहे हैं। अभी तक भी, अभी फिर से तालिबान का जब बढ़ा वो 2016 से ही लगातार बढ़ता जा रहा है।
तो अब जब अभी जब से बाइडेन आया तब से, जब से उन्होंने बोला है कि अमेरिकी ट्रूप्स दोबारा से वापस जाएंगे, तब से तालिबान अपना फुल स्ट्रेंथ लेकर और आगे बढ़ रहा है ताकि हम अफगानिस्तान को, जो तालिबान है वो रूल कर सके। तो बेसिकली अभी अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच क्या है, पावर कॉन्फ्लिक्ट, पावर शेयर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, तो किसी भी कंट्री का जो बाउंड्रीज है उसमें, जैसे अब जो अफगानिस्तान है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, नॉर्थ में, नॉर्थ में शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर गौरव सर आप एक बार नीचे जो मैप है आप वो प्लीज दिखाएं। यस हाँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैप है इसमें, अब आप यहाँ पे इसके बॉर्डर्स देख सकते हैं। तो आप जैसे ही अफगानिस्तान का जब आप बॉर्डर देखेंगे तो वहां पे नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में जो है उज्बेकिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ये तीनों आपको नॉर्थ में मिलेंगे। उसके बाद क्या है, जो ईस्ट में है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, ये ईस्ट में है, और ईरान क्या है वेस्ट में। वैसे जो पाकिस्तान है ना, वो आपका ईस्ट साउथ में भी है, ठीक है, ईस्ट साउथ डायरेक्शन जब बोलेंगे तो वहां पे पाकिस्तान आता है। क्योंकि वर्ल्ड मैप में कभी कभी क्या होता है कि जहां पे मैप में पीओके शो करता है तो वहां पे जब बॉर्डर कंट्रीज की बात आती है तब बेसिकली छह ही होते हैं, है ना, इंडिया को वहां पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ पीओके, ठीक है। तो वहां पे फिर कितने कंट्रीज बचते हैं, सिर्फ छह कंट्री, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चाइना, छह कंट्री। ऐसे सात कंट्री हैं जिसके साथ ऑफिशियली जो है, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हम ऑफिशियली सात कंट्रीज मानते हैं कि सेवन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि पीओके हमारा हिस्सा है, ठीक है, भारत का अभिन्न अंग है। तो इस वजह से अभी टोटल कितने कंट्रीज के साथ शेयर करता है, तो सेवन है ना, ये सही आंसर होगा। अगर सेवन ऑप्शन नहीं होगा तब सिक्स में आप टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये वर्ल्ड का 41 लार्जेस्ट कंट्री है, थोड़ा फ्रांस से थोड़ा सा बड़ा है और बर्मा से थोड़ा सा छोटा है, और यहां से जो है हिंदू कुश माउंटेन रेंज है ना, बादशाह प्रोविंस से होते हुए गुजरता है, या फिर वहां पे है बादशाह। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप मैप में अब आप देखो जो पार्ट अभी जहां पे पंजशीर वैली है ना, वहां से लेकर और जो पीओके का जो हमारा हिस्सा है ना, वहां तक ये हिंदू कुश पर्वत का इलाका है, और इसी इलाके को हम क्या कहते हैं, इसी इलाके को हम कहते हैं बादशाह प्रोविंस, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, हिंदू कुश जो माउंटेन है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। अभी जो पूरा अफगानिस्तान है वो बेसिकली उसमें बहुत सारे प्रोविंस है, उसमें मेजर प्रोविंस जो है वो मजार-ए-शरीफ है, हेरात है, कांधार है ना, काबुल है, और इधर जलालाबाद है। और एक चीज और जो आप लोग लिखेंगे, जो ब्लू मॉस्क है ना, ये क्वेश्चन बहुत बारी लाइक पूछा भी गया पास्ट में कि ब्लू मॉस्क जो है वो कहाँ है, तो ब्लू मॉस्क जो है मजारे शरीफ में है अफगानिस्तान, मजारे शरीफ है ना अफगानिस्तान में। ओके, तो अभी जैसा कि आप इस मैप को देख पा रहे हैं, इस मैप में साफ साफ दिख रहा है अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है ना,
क्योंकि इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ एशिया भी बोलते हैं, जिसके क्या है कि प्लेन्स जो है इसमें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट है ना, जो साइड है वहां पे थोड़ा थोड़ा प्लेन पाया जाता है, क्योंकि जब आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे माउंटेनियस रेंज होता है, प्लेन होता है, कोस्टल प्लेन होता है ना, आइल, तो इस तरह से क्या होता है जो क्लासिफिकेशन है, तो प्लेन जो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है अफगानिस्तान के, और जो हाईएस्ट पीक है वहां के माउंटेन का उसको क्या बोलते हैं, नशक बोलते हैं ना, नशक। और यहाँ पे ऑलमोस्ट है ना कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, जहाँ पे कि सारा क्लाइमेट ही पाया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ठंडी ज्यादा ठंडी रहता है या फिर गर्मी नहीं आती, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है तो सारा सीजन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट पाया जाता है। ऐसे वहाँ पे इंडिया से क्या चेंज है, थोड़ा सा चेंज ये है कि लाइक वाइज इंडिया में क्या है कि ऑलमोस्ट है ना 8 महीने हम गर्मी महसूस करते हैं और 4 महीने ठंड, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ठंड होता है और गर्मी थोड़ी कम पड़ती है वहां पर, लाइक गर्मी थोड़े कम दिनों के लिए रहती है, गर्मी वहां भी पड़ती है लेकिन थोड़े कम दिनों के लिए है ना, स्पैन उसका क्या होता है, कम होता है। उसके बाद क्या है, वहां का जो ग्लेशियर रीजन है ना, उसको नूरिस्तान और वखान कॉरिडोर कहते हैं। उसके बाद फिर जो वहां का सिस्तन बेसिन जो रीजन है ना, हॉट समर रीजन, वो क्या है, ड्राइस्ट रीजन है यहाँ का, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इस वजह से वहां का ड्राइस्ट रीजन। और जलालाबाद जो है वो सबसे मतलब ज्यादा गर्म रहने वाला रीजन है ना। तो अभी देखेंगे कि अब जब आप तुर्कमेनिस्तान का जब आप बॉर्डर देखेंगे है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी दो रिवर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक रिवर आपको दिख रहा होगा मोरगाव रिवर और दूसरा अमू रिवर है ना, तो जो अमू रिवर है वो एकदम बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ है ना, एडजेसेंट। वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है, जैसे कोल, कॉपर वगैरह सब वहां पे पाया जाता है। अब जब रिवर की बात आई है तो रिवर में क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब अगर आपने बनाया होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में वहां पे बताया हुआ है, मतलब पूछा गया है कि जो अभी क्योंकि इंडिया का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, अराउंड $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ की टोटल जीडीपी ही जो है ऑलमोस्ट $22 बिलियन की है ना, तो इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, जैसे कि वहाँ का जो पार्लियामेंट बनाया है ना वो अब आपका इंडिया ने बनाया है ना, फ्रेंडशिप बायलेटरल जो फ्रेंडशिप होता है उसके तहत, और वहाँ का अभी जो डैम बन रहा है ना, जिसपे अभी कुछ दिन पहले अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी प्रीवियस वीक में ही तालिबान ने कोशिश की थी कि जो इंडिया ने डैम बिल्ड किया था उसे डिस्ट्रॉय करने का है ना, तो आप एक बार बताएं चैट सेक्शन में कि वो कौन सा डैम है और किस रिवर पे है ना, एनीवन, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है ना, कौन सा है और किस रिवर पे है। गौरव भैया, आई एम ऑडिबल? हाँ अंकित, आप ऑडिबल हो? ठीक है, वो एक्चुअली चैट बॉक्स ऑफ है अभी। ठीक है, हाँ अच्छा, ओके आप कंटिन्यू कर लो। ओके ओके भैया। सो उसका जो नेम है वो सलमा डैम है, ठीक है, सलमा डैम है, वो हरी रिवर पे बनाया गया है, तो वो एक बहुत बड़ा मिसाल दिया जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि
वहां पे क्या है कि ज्यादातर ओपियम की खेती होती है। तालिबान का जो मेन सोर्स है फंड का वो है ओपियम, है ना। तो ओपियम का ही ट्रेड करके वो ज्यादातर पैसा जो है कलेक्ट करते हैं, फंड रेस करते हैं उससे। और बहुत सारा जो जमीन है वो ऐसी बंजर ही रहता है अफगानिस्तान में। तो इंडिया ने वहां पे एक डैम बनाया, उसका नाम सलमा डैम है, जो कि हरी रिवर पे है ना। और वो किस प्रोविंस में है, ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग करके पूछता है। कि जैसे अभी आपसे ये पूछ देगा, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है वो है कि सलमा डैम जो हैरात प्रोविंस में है वो किस रिवर पे है ना, ये क्वेश्चन है। और जबकि ये भी पूछ सकता है कि जो हैरात मतलब वो इस रिवर में है किस प्रोविंस में है ना। मतलब सलमा डैम हरी रिवर पे है और किस प्रोविंस में है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप उस प्रोविंस का नाम लिखोगे, ठीक है। तो वो जो है हेरात प्रोविंस में, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो चिश्ती शरीफ है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। एक तो मैंने आपको बताया ब्लू मॉस्क है ना, जो मजार शरीफ में है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया है ना, हेरात प्रोविंस में है चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट में सलमा डैम है ना, हरी रिवर पे। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर तो गौरव भैया नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके सो आप अभी ये इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है पश्तून को दिखाया गया है ना कि हाउ दे लिव देयर। तो पश्तून जो क्लैन है उनका ये बेसिकली, ये जो ग्रीन कलर के शर्ट में जो है वो पश्तून क्लैन जो इथनिक ट्राइब जो है वहाँ पे उनका जो कस्टम होता है उसको बेसिकली दिखाया गया। और एक साइड जो दिखाया गया है वो दिखाया गया नेटो फोर्सेस को, है ना, जो कि उस समय वहां पे अभी कुछ दिन पहले तक थे, है ना। और एक तरफ जो है वो ब्रिटिश एरा का दिखाया गया है, जब ब्रिटिश भी चाहते थे कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करें, लेकिन जो है इनको वॉर ट्राइब बोलते हैं। पश्तून को क्या बोलते हैं कि वॉर ट्राइब बोलते हैं, लाइक हमेशा मतलब लड़ने को तैयार होते हैं। लेकिन हमेशा लड़ने को तैयार होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि लाइक किसी से भी लड़ गए, नहीं। इनके जब भी जब आप इनके जगह पे जाके इनको हटाने की कोशिश करोगे तो ये ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि हाँ ऐसे ही छोड़ देंगे, ये रेजिस्टेंस दिखाएंगे आपको। तो उस सेंस में ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब हिस्ट्री में जो है जो वर्ड जो नेम अफगानिस्तान है वो पहली बार कब एग्जिस्टेंस में आया, वो 10th सेंचुरी में आया। जो ज्योग्राफी बुक हुदूदुल अल अलाम में पहली बार इसका मेंशन किया गया था, अफगानिस्तान एज अ पर्टिकुलर नेम, है ना। उससे पहले अल हिंद ही बोलते थे, जब यहाँ पे जब अरब रूलर्स जब आए थे तो बेसिकली इसे अल हिंद बोलते थे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैन मीन्स क्या होता है, प्लेस ऑफ इन पर्शिया, है ना। और यहाँ पे जब प्री हिस्टोरिक साइट्स पे जब एक्सकवेशन किया गया तो जो लुइस क्लुपरी जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज इस लैंड पे कब से हैं। तो 50,000 साल से यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब वहां पे तब ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, है ना, तब से यहाँ पे लोग हैं। और ये प्राइम सेंटर रहा है बहुत सारे कल्चर्स का, जैसे ईरानियन कल्चर जो है, जो पर्शियन कल्चर है, ईरानियन यहाँ पे ठीक नहीं है बोलना, पर्शियन बोलते हैं। तो पर्शियन कल्चर जो है, और जो इंडियन कल्चर है, जो मंगोल है, इजिप्शियन, काफी जो कल्चर है उसको इस लैंड ने देखा है
अभी जब ब्रिटिश से रहा था तब हमारा भी बिल्कुल है ना, हम अफगानिस्तान तक हमारा बॉर्डर था और इधर म्यांमार तक। उसके बाद फिर क्या है कि ये रूल किया गया है ये लैंड किसके किसके द्वारा, मैसिडोनियंस, मॉरियंस, इस्लामिक एम्पायर है ना, और इसलिए यहाँ का कल्चर क्या है कि मिक्स्ड है। अभी जब आप अभी अफगानिस्तान जाओगे तब वहां के लोगों में बॉलीवुड का बहुत ज्यादा क्रेज है, वो लोग बॉलीवुड मूवीज देखकर ही हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं। अभी 100% अफगानी में लाइक जो शहर है मजार शरीफ हो गया या काबुल हो गया है ना, कांधार जो कि अभी कल परसों में तालिबान ने उस पर भी कैप्चर कर लिया है, तो ये सारे जो प्रोविंस जो प्रोविंशियल सिटीज जो थे वहां की पॉपुलेशन को 50% है ना, 50% लोगों को हिंदी थोड़ी बहुत समझ में आती है ना, वो कैसे, क्योंकि वो लोग बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं है ना, उसके थ्रू उनको समझ में आता है थोड़ा बहुत हिंदी है ना, वो भी सीखते हैं। और अब जब यहाँ दिल्ली दिल्ली में जब आप यहाँ पे जाओगे लाजपत नगर जब आप जाओगे तो वहां पे पूरा ह्यूज कॉलोनी है ना, जहाँ पे पश्तून रहते हैं है ना बेसिकली, तो वहां पे आपको वहां का कल्चर जो है वहां का जो फूड है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अगला जो पॉइंट है इसमें यह है कि फाइनली द हुतक एंड दुरानी डायनेस्टी द मार्क द पॉलिटिकल ओरिजिन्स ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स। हाँ, इसमें एक जो मेन रोल है ना मॉडर्न स्टेट एज अफगानिस्तान को बनाने में वो होतक डायनेस्टी का है, फिर दुरानी डायनेस्टी का है ना, होतक एंड दुरानी जो एम्पायर था बेसिकली है ना, होतक डायनेस्टी कब से कब तक रहा है यह बस नोट कर लेंगे ना, 1709 से 1738 तक होतक डायनेस्टी रहा है ना। और इसको जो स्टैब्लिश जिसने किया था वो किसने किया था, घिलजी पश्तूंस है ना, किसने किया था, घिलजी पश्तूंस। मैं एक बारी लिख देता हूँ चैट सेक्शन में, आप वो लिख लेंगे। ठीक है, वैसे इतना डीप पूछता नहीं है बट फिर भी आप हिस्ट्री के लिए इसको थोड़ा बहुत जान सकते हैं। और उसके बाद क्या है, दुरानी एम्पायर है ना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर था, ये कब से कब तक रहा, ये 1747 से 1826 तक रहा है ना। उसके बाद भी कई सारे, और तब वहां का जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था दुरानी एम्पायर का वो पर्शियन हुआ करता था। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे। और इसी समय जो है आपका पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ था है ना, किसके किसके बीच, दुरानी एम्पायर के बाद ये हुआ, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ वो हुआ कब से कब तक, तो 1839 से 1842 तक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये आप एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, अफगानिस्तान जब भी पढ़ते हैं तो हम एंग्लो अफगान वॉर को भी थोड़ा बहुत देखते हैं, तो आप ये भी एक बार है ना पढ़ लेंगे। और जो एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है ना जिनके बीच लड़ाई हुई थी है ना, ब्रिटिश और एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये कब से कब तक रहे हैं, ये रहे हैं 1823 से 1926 तक। ठीक है, और जो दूसरा एंग्लो अफगान वॉर हुआ था वो कब हुआ है ना, वो हुआ 1878 से 1880 है ना, 2 साल चला ये। और
जो तीसरा एंग्लो अफगान वॉर हुआ है उसी को हम लोग क्या बोल, हुआ ये 1919 में हुआ है ना, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है, जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1919 में है ना, 1919, उसको किस उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके वहां की करेंसी जो है, करेंसी जो है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अफगानी, अफगानी है ना, करेंसी का नेम है अफगानी, अफगानी। और जो लेजिस्लेचर है वहां को क्या बोलते हैं, लोया जिरगा है ना, संसद भवन जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वहाँ लोया जिरगा बोलते हैं। ठीक है, लोया मतलब होता है बड़ा, और जिरगा का मतलब होता है मीटिंग है ना पश्तों में, तो वहां पे लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, लोया जिरगा, और करेंसी क्या है, अफगानी, अफगानी। और उसके बाद फिर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होता है हर 2 साल 3 साल पे, वो होता है कि वहाँ का जो नेशनल फेस्टिवल है ना नवरूज। गौरव सर आप स्लाइड थोड़ा नीचे करना, ये प्री इस्लामिक पीरियड का इम्पोर्टेंट है। यस हाँ, इस्लामिक रिलीजन एक्सपेंशन, इसको अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो वहाँ का जो एक नेशनल फेस्टिवल है, वो नेशनल फेस्टिवल जो है नौरूज है ना, तो नौरूज ओके, तो जो नवरूज जो है 21 मार्च को वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ न्यू ईयर होता है तो उस तरह से नवरूज होता है वहां पे। ठीक है, तो ये सारा एस्पेक्ट है। और इसके बाद जो है जैसा कि मैंने बताया कि अभी इस लैंड को अल हिंद भी बोलते थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे मिडिल एजेस में जब महमूद गजनवी जब आया, तो उसने इंडियन रूलर को हरा के वहां पे इस्लाम को स्प्रेड किया है ना। और 16 सेंचुरी में बाबर जो है रिकैप्चर्ड किया फरगाम को, और उसके बाद फिर इन मिडिल सेंचुरी अफगान रीजन वाज नोन एज खुरासन मॉडर्नाइजेशन। ओके, मीरवाइज होतक इन 1799 डिफीटेड घुरहानी खानी एंड मेड अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट है ना। और इन 1738 नादिर शाह कैप्चर्ड कंधार रीजन एंड डिफीटेड ईस्ट। ओके, एंड इन 1834 आफ्टर दोस्त मोहम्मद पंजाब रीजन वाज कॉन्कर्ड बाई रणजीत सिंह इन 1834। 1834 में क्या हुआ, रणजीत सिंह के द्वारा पंजाब रीजन को जीत लिया गया है ना, तब क्योंकि बाउंड्रीज एक ही थी। गौरव भाई नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये हमने अभी डिस्कस कर दिया भैया, अभी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सेकंड थर्ड है ना। और आप भैया और थोड़ा वो कर दें, नीचे कर दें भैया, नेक्स्ट स्लाइड पे कर दें। गौरव भैया नेक्स्ट स्लाइड कर दो आप। हाँ यस, यहाँ से भैया, ठीक है ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि जब एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का रूल जब गया है ना, तो जब एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का रूल गया 1926 में, उसके बाद किसका है, किंगडम ऑफ अफगानिस्तान है ना। तो उसी में क्या हुआ कि 1953 में मोहम्मद दाऊद जो अब जब पीएम थे, उन्होंने क्या किया, एबॉलिश किया किसको, पर्दा सिस्टम को है ना, जो पर्दा सिस्टम जो होता है, जो बुरका जो बोलते हैं वहां पे, उसको हटाया गया उस समय पे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1964 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। और 80s में क्या हुआ कि सोवियत इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि सोवियत इंटरवेंशन इसलिए हुआ, सोवियत संघ इसलिए आया क्योंकि
क्योंकि जो उस समय तब के जो राष्ट्रपति थे वो बाहर गए और जो वहां का कमांडर था है ना, वही वहां का क्या हो गया, प्रेसिडेंट बन गया। वो किसके मदद से बना? तो यूएसएसआर की मदद से बना, ठीक है। तो इस वजह से सोवियत का इंटरवेंशन होता है और उसके बाद फिर है ना, द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ यूएसएसआर इन्फ्लुएंस्ड अफगान अंडर द लीडरशिप ऑफ बबराक करनाल, है ना। इनके लीडरशिप में क्या हुआ, यूएस सोवियत का इंटरवेंशन होता है। उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि वेस्ट कंट्रीज जो कि वेस्ट कंट्रीज और जो यूएस जो था वो 1986 में यूएस ओपनली सपोर्टेड मुजाहिदीन्स, है ना। मुजाहिदीन्स बेसिकली कहते हैं ये लड़ाके को, है ना, जो कि लड़ते हैं किसी चीज के अगेंस्ट में, सोवियत के अगेंस्ट में जो जा रहे थे उसे मुजाहिदीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1988 में अफगानिस्तान यूएसएसआर द यूएसए पाकिस्तान साइंड द पीसफुल अकॉर्ड, और बेसिकली 1998 है ना, यूएस लॉन्च स्ट्राइक ओवर ओसामा बिन लादेन अक्यूज्ड ऑफ बॉम्बिंग यूएस एम्बेसी इन अफ्रीका। उसके बाद फिर क्या होता है, बेसिकली सारा कहानी शुरू होता है जब यूएस लेड इन्वेजन होता है अफगानिस्तान में 2002 से, है ना। तो जब 2002 जब आता है तब क्या होता है ना, नेटो लीड द है ना इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स पीस कीपिंग मिशन इन अफगानिस्तान। नेटो की फोर्सेस वहां पे इंटर करती है अफगानिस्तान में, है ना। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद फिर 2004 है ना, ये आप एक मेंशन कर लो कि तब जब प्रेसिडेंशियल जो पहला है ना डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ वहां पर प्रेसिडेंट कौन बने थे, हामिद करजई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके भैया, नेक्स्ट स्लाइड। यस, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया था है ना, ये जो ग्राफ था अभी यहाँ पे, तो वो जो चार्ट था डायग्राम, उसमें क्या है कि जो इतनी ग्रुप्स था मैंने बताया था कि पश्तून है ना, तजिक, बालूच, उज्बेक है ना, ये सारा क्या है वहाँ पे इतनी ग्रुप्स हैं। तो उसी में जो सबसे ज्यादा जो परसेंट जो है वो पश्तून है, उसके बाद फिर तजिक है जो 27% है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच इज द मोस्ट सेकेंड है ना, मोस्ट डोमिनेंट इथनिक ग्रुप्स इन अफगानिस्तान, तब वहां पे क्या होगा, तजिक होगा जो कि 27% है, ठीक है। 90% ऑफ द पीपल फॉलो सुन्नी इस्लाम है ना, रेस्ट इज द शिया इस्लाम, ओके। और जो लिटरेसी रेट है वो 38.2% है। पब्लिक हॉलीडेज में क्या है कि यहाँ पे यही छूट गया था, 21 मार्च यहाँ पे नवरूज लिख लेंगे, और जो 15 फरवरी है वो लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, और बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बर्थडे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैंने जैसा कि बताया था अभी है ना, 19 अगस्त को क्या है, उसका इंडिपेंडेंस डे है अफगानिस्तान का, जो कि 1999 में है ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ा गया था वहीं से, तो आप इसे याद कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है, ओके हाँ भैया, नेक्स्ट स्लाइड कर दो, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। गौरव सर, नेक्स्ट स्लाइड। यस, जो करंट अफगान कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्रूव किया गया है ना जनवरी 2004 में, है ना, जबकि काबुल में लोया जिरगा है ना, मैं बताया था अभी, लोया जिरगा जो है वहां का जब भी कम्युनिटी डिसीजन होता है उसे लोया जिरगा कहते हैं। तो उसी तरह जो जो 2003 के लोया जिरगा के जो क्या कहते हैं मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया था, जो डिसीजन आया था उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या होता है, चुनाव होता है, उसमें हामिद करजई है ना वो प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना, अफगान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर क्या है, हाँ आप ये देख लेना वहां पे है ना,
वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो 34 डिस्ट्रिक्ट है ना। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे। स्टेट या प्रोविंसेस नहीं, वहां पे जो प्रोविंस है वो बेसिकली पांच बड़े प्रोविंस है ना। और वैसे विलायत का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, पश्तो में डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं, विलायत बोलते हैं। ठीक है, स्टेट यहाँ पे हालांकि वलसवलई ही होना चाहिए, इसे विलायत लिखा हुआ ठीक है, 34 आप लिख लेंगे है ना। और भैया नेक्स्ट स्लाइड जरा करो। ओके सो ये कल्चर ऑफ अफगानिस्तान तो मैं बता ही दिया है ना, आपको ऊपर ज्यादा इसमें जाना नहीं है। इसमें बस आप एक चीज याद कर लेना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर जो है अफगानिस्तान है। ठीक है, और जो वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या है, बूजा खासी है ना, बूजा खासी, ये आप याद कर लेना। और जो फेमस फूड है वहाँ का वो क्या है, वो शीर खुरमा है। और जो अतण है ना, डांस फॉर्म, किसी भी कंट्री का जो कल्चरल एस्पेक्ट होता है उसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, वहाँ का डांस होता है। तो डांस को वहाँ पे क्या बोलते हैं, अतण बोलते हैं ना। मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, मैं टाइप कर दे रहा अतण। ठीक है, ये यहाँ का डांस फॉर्म है, आप सभी याद कर रहे हैं क्योंकि ये आता है ना, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये किस लिए फेमस है एशिया में, अफगानिस्तान अपने है ना अनार के, क्या है अनार है, पोमीग्रेनेट का वहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और अफगानिस्तान का निकनेम क्या है ना, ग्रेवियार्ड ऑफ एम्पायर्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, ओके हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भैया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, यस ओके। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है कि रुबाब है ना, जब आप पस्तों की फर्स्ट क्लास में आई थिंक जब आप पढ़ेंगे तो सर वहां पे बताएंगे भी, रुबाब जो है वहां पे क्या है, एक कॉमन ल्यूट है ना। तो इसके रुबाब के जो फेमस प्लेयर है, जैसे हमारे यहाँ पे शहनाई के फेमस प्लेयर कौन थे है ना, बिस्मिल्ला खान है ना, थे ना, उसी तरह पंडित रविशंकर है ना, वो यहाँ पे फेमस है ना। तो वो जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाते हैं उसके लिए वो फेमस है। तो उसी तरह वहाँ पे जो मोहम्मद उमर है वो फेमस प्लेयर ऑफ रुबाब है ना। उसके बाद क्या है कि उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते हैं, ये इंडियन सरूद है ना, सरूद वो बड़ा सा होता है ना, जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बजाने के जो है ना फेमस प्लेयर वो क्या है, उस्ताद अमजद अली खान। उसके बाद क्या है, हाँ एक यहाँ पे क्या है, घीकाक है ना, घीकाक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हजारा कम्युनिटी जो वहां पे रहती है उसके द्वारा, जो कि 9% है ना, 9%। तो वहां पे जो घीकाक जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हजारा पीपल यूज करते हैं। और एक चीज ये भी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि 1925 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड बट दिस लेगेसी वाज डिस्ट्रॉयड इन 1929 एंड इन 1940 इट वाज अगेन ओपन है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया गया था वहां पे है ना अफगानिस्तान में, कब, 1925 में, और दोबारा इसे बंद कर दिया गया था लेकिन 1973 के बाद ये फिर से चालू हो गया। तो अभी वहां पे है ना बीबीसी काबुल अलग अलग चैनल है ना वहाँ पे, जो कि वहाँ का रेडियो स्टेशन मतलब रेडियो स्टेशन जो चैनल है वो बीबीसी काबुल, इस तरह करके एक दो और चैनल भी है जो कि अभी वहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो कुछ ही चीज वहाँ पे देखना है। अब सर नेक्स्ट स्लाइड, गौरव सर यस। अभी क्या करना है कि फेमस पोएट है ना और उनकी पोइट्री, या फिर जो भी नोबल राइटर्स रह चुके हैं अफगानिस्तान के, जैसे नोबल राइटर्स में क्या है
कि रहमान बाबा है ना, ग्रेट पश्तो पोएट्स हुए हैं, खुशाल खान खटक है ना, एक वहां पे आता है बायजिद रोशान है ना, बायजिद रोशान। बायजिद रोशान की फेमस जो बुक है वो है आपका उसका बुक का नाम था पटक खजाना। यस, पटक खजाना। अगर इस बार क्वेश्चन अगर आए कि पटक खजाना किसने लिखा है, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? बायजिद रोशन, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। ये यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एक चीज है, हीरो ऑफ फोल्क पोएट्री है ना, अमीर करोर सूरी, इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है पोएट्रीज में, अफगानिस्तान पोएट्री में काफी मतलब इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो पी रोशन वाज अ वॉरियर पोएट। अगर पूछेगा हु वाज अ वॉरियर पोएट ऑफ अफगानिस्तान, तो आप बोलेंगे पी रोशन है ना, वहां पे ऑप्शन रहेगा तो पी रोशन इसका सही आंसर होगा, तो इसको भी आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब डांस फॉर्म मैंने आपको बताया ही, अतर्न जो वहाँ का नेशनल फॉर्म है, हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं अतर्न अतर्न डांस यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये वहाँ का कल्चरल ड्रेस है, जो कि जब आप JNU आएंगे, अभी तो लॉकडाउन के कारण बंद है, लेकिन जब इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल होता है तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया कि अभी बुजाखासी जो है वो ट्रेडिशनल नेशनल स्पोर्ट्स है वहाँ का, और क्रिकेट भी वहाँ पे खेला जा रहा है ना। 2001 से वहाँ की क्रिकेट टीम और कुछ फेमस प्लेयर जो है, जैसे राशिद खान है ना, तो ये सारे जो है वहाँ का फेमस फुटबॉल प्लेयर है, सॉरी क्रिकेट जो टीम के प्लेयर है। ओके गौरव सर, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो मैंने अभी आपको नेशनल डिश के बारे में बताया कि काबुली पुलाव वहां का क्या है, नेशनल डिश है ना, ये मैंने अभी आपको बताया था। और फेमस पोइट में आप एक ये भी लिख लेंगे, उमर खय्याम है ना, उमर खय्याम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगातार अभी 4-5 बारी आ चुका है अल्टरनेट ईयर पे। तो अल्टरनेट ईयर पे उमर खय्याम ने क्या लिखा था? रुबैयत। रुबैयत जो है ना, कंपोज पोएट्री का एक फॉर्म है रुबैयत, आप उसे मेंशन जरूर करें है ना, ये पॉइंट आप नोट कर ले। रुबैयत मैं आपको चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। उमर खय्याम, ओके, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया। यस, तो अब मेन आर्किटेक्चर की ओर बढ़ेंगे है ना। आर्किटेक्चर में क्या है कि जो बाल्क रीजन है वहां का है ना, जो रोस्टर डेथ वहां का एक इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है। और साइट्स ऑफ कुषाण कल्चर, कुषाण कल्चर आपको कहाँ मिलेगा? तो सुर्कोटाल में मिलेगा, ठीक है। और दिलबर जीन एक वहां पे एक छोटा सा रीजन है, जिसको कि डेवलप किया गया था कब? कुषाण के टाइम पे है ना, कुषाण वंश जब वहां पे रूल करते थे तब तब के टाइम पे। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट, ओके, ओके, तो सिल्क रूट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो सिल्क रूट के बारे में जब पढ़े होंगे, तब क्या है कि यहाँ पे एक प्लेस था बाला हिसार है ना, काबुल में है ना, इन 1879। तो फरा सिटेडिल, इट वाज फोर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन पर्शियन सिल्क रूट है ना, यहाँ पे इसका फोर्टिफिकेशन कर दिया गया था है ना, इंडियन और पर्शियन सिल्क रूट यहीं से होकर गुजरता था इस वजह से। और जो बुद्धा टॉलेस्ट स्टैचू जो था वो बामियान प्रोविंस जो है ना वहाँ का, वहां पे था, लेकिन अभी क्या है कि तालिबान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वो टोटली जो है
वहां पे इस्लामिक लॉ को वहां पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे, तो इसलिए डिफरेंट जो रीजन के जो कल्चर है उसको वहां पे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। तो इस वजह से वहां पे जो टॉलेस्ट बुद्धा का जो स्टैचू था वो भी डिस्ट्रॉय, जो कि बामियान रीजन में था। वैसे अगर क्वेश्चन आए टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू, तो वो बामियान में वहां पे है। ठीक है, यस, नेक्स्ट स्लाइड सर, गौरव सर। ओके, तो ये जो है मिनरेट ऑफ जान है ना, इस्लामिक सीरीन है ना, इस्लामिक सीरीन का मतलब हुआ कि जो कि इस्लाम के लिए जो पवित्र स्थल जो भी है, जैसे हमारे यहाँ पे है ना चार जो हमारा धाम है, जैसे बद्रीनाथ हो गया है ना, तो इसी तरह रामेश्वरम हो गया, तो और इधर सोमनाथ मंदिर हो गया, तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पे जो सीरीन है ना हिंदू रिलीजन में, हिंदू फेथ में ना सनातन धर्म में, तो उसी तरह से वहाँ पे इस्लामिक सीरीन में क्या है, फ्राइडे मॉस्क ऑफ हेरात जामा मस्जिद, द फर्स्ट मॉस्क वाज बिल्ट एट द साइट ऑफ जोरोस्ट्रियन फायर टेम्पल। ओके, तो ये जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इस्लामिक सीरीन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रीन मॉस्क ऑफ बाल्ख है ना, एट द टाइम ऑफ चंगेज खान। इसको कब बनाया गया था, चंगेज खान जब वहां पे रूल किया तब। उसके बाद फिर श्रीन ऑफ अली इन मजार शरीफ है ना, रिकंस्ट्रक्शन इसका 15 सेंचुरी में किया गया। मैंने आपको बताया भी है ना, ब्लू मॉस्क कहते हैं उसको। आप एक आप कभी क्रोम पे आप इसका पिक्चर देख सकते हैं, मजार शरीफ में जो मॉस्क है, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है वहां का। यस, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये जो फोटो देख रहे हैं, यही फोटो जो है वहां पे आप एक गैप देख रहे होंगे बीच में, पॉइंटर गौरव सर वहां पे दिखा रहे हैं, तो आप हाँ वहां पे यहीं पे बुद्धा का स्टैचू था है ना, बुद्धा बुद्धिस्ट श्रीन इन बामियान बनियान यहाँ पे लिखा हुआ, हालांकि बामियान होगा। द ओल्डेस्ट नोन ऑयल पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट बुद्धिस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड 53 मीटर, जो कि पहले था अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तालिबान के थ्रू। उसके बाद क्या है कि हाँ ये थोड़ा ये अदर लैंडमार्क्स में है, बाघे बाबर, इट वाज क्रिएटेड द टाइम ऑफ बाबर है ना, हियर बाबर्स बॉडी वाज है ना ब्यूराइड। ठीक है, तो यहाँ पे बाघे बाबर क्या है, जहाँ पे उनका बॉडी को जो है वहां पे दफनाया गया था। ठीक है, बाबर के। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। यस, हाजी प्यादा है ना, हाजी प्यादा क्या है कि वहां का ओल्डेस्ट इस्लामिक स्ट्रक्चर है अफगानिस्तान का। जब से मिडिल एजेस से जब गजनबी ने इस्लाम को लाया, तब के बाद से वहाँ पे जो ओल्डेस्ट इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है वो हाजी प्यादा है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना, आप एक काम करो, आप जब अपना एक नोटबुक में भी फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ उसे आप लिख लो है ना जल्दी से, विद इन 2 मिनट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो उसी में कवर हो जाएगा। टोटल 14 पॉइंट्स है जिसको आपको देखना है, 15 पॉइंट्स मैं वो बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना है ना, ये सारे कंट्रीज के लिए भी और भी मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज देखना है यहाँ का। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का पश्तो है ना, पश्तो एंड दली, और ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये एक पार्ट है इसका। दूसरा जो आपको देखना है वो करेंसी देखना है, वहां की करेंसी क्या है, ये मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, इसी फ्लो चार्ट को बस आप देख के जाओगे, दैट इज एनफ फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद क्या है कि बॉर्डर शेयर, बॉर्डर शेयर में मैंने आपको बताया कि अभी 7 है, अगर इंडिया नहीं देगा, अगर ऑप्शन वहां पर 7 नहीं रहेगा तो आप 6 लगाएंगे, वो सही होगा। फिर एथनिक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप चौथा जो है एथनिक ग्रुप आप लिखेंगे, एथनिक ग्रुप में सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो आपका पश्तून है ना, जो पठानी लोग हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो तजिक्स है, ठीक है, 27। उसके बाद हजाराज, उसके बाद फेमस पोएट है ना, फेमस पोएट मैंने बताया जैसे उमर खय्याम वगैरह हो गए, ये रुबैये जिन्होंने लिखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, आप इसे भी एक बार देख लेंगे।
वहां का जो रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन क्या, हमारा कंट्री क्या है, सेकुलर कंट्री, तो यहाँ को कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो इस वजह से वहाँ का जो रिलीजन है वो क्या है, इस्लाम है वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन, है ना। वहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो 0.3% है अफगानिस्तान में, उसमें भी जो अराउंड 1,000 हिंदूज अब पूरे अफगानिस्तान में होंगे अभी, है ना। और इसी तरह से अलग अलग कम्युनिटीज भी हैं, मेजरली जो रिलीजन है वहाँ का क्या है, वो इस्लाम फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो नेशनल एंथम में मिली सुरूत है ना, 7th पॉइंट आप ये कर लेंगे, इसे याद रखेंगे। और जो करंट और जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है ना, जैसे कि मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो करंट प्रेसिडेंट ना पूछ के प्रीवियस प्रेसिडेंट पूछा था, है ना। तो आप ये भी याद रखेंगे, जैसे हामिद करजई पहले थे और अभी अशरफ गनी है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, बुज खासी, ये आप याद करेंगे, 9th पॉइंट में लिखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स। 8th में मैंने आपको बताया करंट एंड प्रीवियस प्रेसिडेंट, 9th में क्या है नेशनल स्पोर्ट्स, ये आप देख लेंगे। ये सारे कंट्रीज के लिए अप्लाइड होता है, जिस कंट्री में भी आप, जिस कंट्री का भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए अप्लाइड है। उसके बाद करेंसी है ना, अफगानी, अफगानी यहाँ का करेंसी है नंबर 10। नंबर 11 पे क्या है, नेशनल फेस्टिवल, तो यहाँ का नवरूज नेशनल फेस्टिवल है जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है ना, द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग सीजन, ओके। थोड़ा सा हिस्ट्री में बस वही देख लेंगे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और एंग्लो अफगान वॉर, जो तीनों वॉर जो स्लाइड में दिया गया है वो देख लेंगे, हो जाएगा। डांस फॉर्म क्या है, अतण है ना, नेशनल डांस फॉर्म क्या है, अतण है, ये 13th पॉइंट है। 14th पॉइंट में क्या आप लिखे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप एक बार देख लेंगे वहां का, ठीक है। मैंने बता भी दिया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि बामियान में क्या है ना, रॉक कट स्टैचू ऑफ बुद्धा जो था, जो कि अभी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके बाद क्या है, मिनरेट ऑफ जैम कहाँ है, घोर प्रोविंस में, ठीक है। आमिर खुसरो के बारे में आप लोग पढ़ लेना, है ना। आमिर खुसरो क्या थे कि हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक और कवाली के फाउंडर थे, तो आमिर खुसरो के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं अफगानिस्तान, तो आमिर खुसरो के बारे में पढ़ें। और उसके बाद हाँ, एक लास्ट जो ये है वो आप फ्रेंडशिप है ना, जो इंडिया के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटीज जो किए गए हैं ना, वो आप पढ़ लेंगे। जैसे सलमा डैम हो गया, और जो तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट हो गया है ना, जिसमें तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान और इंडिया, है ना, चारों के थ्रू तापी गैस पाइपलाइन जो है आ रहा है ना। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक मेजर मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, अब इसके बारे में भी पढ़ लेना। ये तो मैंने बता दिया, मिली सरूद जो है ना, रिटन बाय अब्दुल बारी जहानी, ठीक है। वालस वालई है ना, देखिए मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, ठीक है। और मेजर प्रोविंस तो मैंने बता दिया था, हालांकि 34 प्रोविंस है ना, लेकिन मेजर प्रोविंस कुल 5 ही है, ठीक है। और ठीक है, अब इतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये 15 जो पॉइंट मैंने बताया है वो सारे कंट्रीज के लिए भी अप्लाइड होगा, और उसको आप एक बारी देख लेंगे, ठीक है, एग्जाम के से पहले। गौरव सर, नेक्स्ट स्लाइड। या ओके हाँ, आप एक चीज बस ये याद रखेंगे खुशहाल खान खट्टक के बारे में। खुशहाल खान खट्टक जो है वो पहले ऐसे, मतलब ऐसे उनको खुशहाल बाबा के नाम से भी जानते हैं, जो कि अफगानी पोएट रह चुके हैं, और मुगल फोर्सेस के साथ है ना काम भी किया है उन्होंने बहुत, और वो खटक ट्राइब से थे, ठीक है। और उनका जो फेमस बुक है बाजनामा है ना, तो बाजनामा, और वो गजल राइटर थे जिसको रूही बोला गया। तो जैसे रुबैयत मैंने बोला था ना उमर खय्याम, है ना, उसी तरह से अलग अलग फॉर्म है वहां पे, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में से एक ये भी है। ओके सर, आई थिंक दिस मच।
फॉर दिस अफगानिस्तान क्लास। गौरव सर अंकित जस्ट अ मिनट। यस चैट सेक्शन सर आप खोल दे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो अभी जो मैंने 15 पॉइंट्स लिखाया उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। चैट सेक्शन ही जो अपन, अगर किसी का कोई डाउट है यू कैन आस्क हिम। ओके अभी मैं बता रहा हूँ है ना, ब्लू मॉस्क मैंने बताया था कि मजारे शरीफ में है ना।